तलवार में पानी। सम्राट कृष्णदेव राय के वंशज पुश्तों से विजयनगर पर राज करते आए थे। प्रत्येक राजवंश की महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सम्राट ने एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की और उसकी देखरेख के लिए अनेक दक्ष तथा योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की। एक दिन राजा दरबारियों के साथ संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे, एकाएक अपने पूर्वज नरेश नायक की तलवार देखकर रुक गए। सम्राट कृष्णदेव राय ने मंत्री से पूछा, तुम्हें इस तलवार में क्या विशेषता दिखाई दे रही है? मंत्री बोला, अन्नदाता, ये तलवार नहीं आपके पूर्वजों के शौर्य की कहानी है। सेनापति की ओर सम्राट ने देखा तो वो बोला, महाराज, ये तलवार नहीं अनमोल हीरा है जिसने शत्रुओं के कठोर से कठोर हाड़ मांस को गाजर मूली की तरह काट डाला। सम्राट तलवार की प्रशंसा सुन फूले न समा रहे थे। पुरोहित तथा अन्य सभी दरबारियों ने तलवार की प्रशंसा में जमीन आसमान एक करने शुरू कर दिए। अचानक मंत्री ने देखा कि तेनालीराम चुप खड़ा है। सम्राट को सुनाते हुए उसने तेनालीराम से कहा, तुम क्यों चुप हो तेनालीराम? तुम भी तो बताओ, तुमने तलवार में क्या देखा? पानी, पानी। तेनालीराम का उत्तर सुनकर दरबारी एक साथ चौंक कर बोले। तब मंत्री ने सम्राट कृष्णदेव राय की ओर देखते हुए तेनालीराम से कहा, इस महान तलवार की तोहिन मत करो तेनालीराम। जो तलवार संसार की धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान है उसमें तुम्हें पानी दिखाई दे रहा है। सम्राट कृष्णदेव राय भी अपनी इस पुश्तैनी तलवार के अपमान को अधिक देर तक न पचा सके। उन्होंने फुफकारते हुए तेनालीराम की ओर देखा और बोले, तेनालीराम, तुम आवश्यकता से अधिक ढीठ होते जा रहे हो। या तो एक सप्ताह के अंदर साबित करो कि तुमने जो तलवार में देखा है वो सही है, वरना मैं तुम्हें प्राण दंड दिए बिना न रहूंगा। दरबारियों को लगा कि इस बार तेनालीराम बच न सकेगा। वे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखने लगे। आदेश दे सम्राट जाने लगे तो तेनालीराम ने हाथ जोड़कर एक सप्ताह के लिए वहीं रहने की अनुमति देने को कहा। कुछ सोचकर सम्राट ने अनुमति दे दी। आठवें दिन दरबार खचाखच भरा था। सभी को आशा थी कि तेनालीराम उस पुश्तैनी तलवार में पानी देखने की बात सिद्ध नहीं कर पाएगा और उसे प्राण दंड मिलेगा। दम साधे सभी तेनालीराम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दरबार आरंभ हुआ। आधा घंटा भी न बीता था कि तेनालीराम मुस्कुराता हुआ आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे संग्रहालय के तीन कर्मचारी अपने अपने सिर पर पुस्तकों के गट्ठर उठाकर ला रहे थे। सम्राट सहित सभी दरबारी चकित थे। तेनालीराम ने उन गठनों को खोलकर महाराज से कहा, महाराज, मेरी बात का प्रमाण ये प्राचीन पुस्तकें हैं जो मैं आपके संग्रहालय से लाया हूं। विस्मित से सम्राट ने कुछ कहना चाहा तो तेनालीराम बोला, महाराज, इन पुस्तकों में आपके उन पूर्वजों की शौर्य गाथाएं हैं जिन्होंने इस प्रतापी तलवार का इस्तेमाल शत्रुओं के विरुद्ध किया। इन सभी में लिखा है कि उस तलवार ने विजयनगर के शत्रुओं को बार बार पानी पिलाया है। फिर दूसरे गट्ठर की ओर इशारा करके तेनालीराम बोले, इन पुस्तकों में लिखा है कि पानीदार तलवार के आगे शत्रुओं के सारे हवाई किले धराशायी हो गए। वो तीसरे गट्ठर की ओर इशारा करके कुछ कहना ही चाहता था कि सम्राट कृष्णदेव राय ने उठकर उसे गले लगा लिया। बोले, बस बस तेनालीराम, हम समझ गए कि जिस तलवार में पानी ना हो वो हीरे की हो या चांदी की बेकार है। तुमने उस पुश्तैनी तलवार में अवश्य ही पानी देखा होगा। दरबारियों के सिर झुक गए। राजा ने तेनालीराम को सम्मानित किया।